टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। साथ ही खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए कुछ देशों के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है। सरकार ने ये जानकारी दी। वहीं आटा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की योजना के संबंध में खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा, सरकार स्थिति पर नजर रखे हुए है और उचित समय पर कदम उठाएगी। गेहूँ की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 13 मई से लागू हुआ है। हालांकि सरकार ने कहा था कि वह दर मामले अन्य देशों को गेहूं के निर्यात की अनुमति देने के बारे में सोचेगी। वहीं खाद्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा कि कई देशों से अनुरोध आए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है। हालांकि उन देशों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है जिन्हें भारतीय गेहूँ के लिए अनुरोध किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि कुछ देशों के लिए कुछ मात्रा को मंजूरी दी गई है। उदाहरण के लिए 1.5 लाख टन गेहूं बांग्लादेश को निर्यात किया गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा, देश ने चालू वित्त वर्ष में 14 जून तक कुल 29.70 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इसी अवधि में गेहूं के आटे का निर्यात 2.59 लाख टन हुआ है। मार्च के महीने में भीषण गर्मी के कारण भारत में गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है। गेहूं मार्च के महीने में ही पकता है। तापमान अधिक होने के कारण अनाज पूरी तरह से तैयार और सिकुड़ा नहीं था, इस वजह से वजन काफी कम हो गया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के कारण गेहूं सहित अन्य खाद्यान्नों की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है और कटाई शुरू होने से पहले ही कीमतों में काफी वृद्धि हुई है। इसका फायदा किसानों ने उठाया। उन्होंने गेहूं को MSP पर बेचने के बजाय खुले बाजार में ऊंची दरों पर बेचकर अतिरिक्त कमाई की। खुले बाजार में बिक्री से गेहूं की सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है। इस बार 4.44 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं का लक्ष्य रखा गया था, जबकि पिछले साल देश में 4.33 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी। कम उत्पादन और खुले बाजार में गेहूं बेचने वाले किसानों को देखते हुए सरकार ने खरीद लक्ष्य को कम कर दिया। गेहूं उपार्जन की तिथि भी बढ़ा दी गई, इसके बावजूद उपार्जन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। वहीं गेहूं की कीमतों में तेजी से घरेलू बाजार में खाद्यान्न की कीमत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। इसको नियंत्रित करने के लिए भारत ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।